क्या आप जानते हैं कि आप किसी भी डिजिट का यूनिट प्लेस देखकर ही बता सकते हैं कि उस डिजिट का स्क्वायर क्या होगा? हेलो, दिस इज शालिनी एंड वेलकम टू माय चैनल मैथ्स इज फन विद शालिनी। आज का टॉपिक भी यही है, स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट फ्रॉम क्लास 8। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो जल्दी से देख लेते हैं कि स्क्वायर क्या होता है। स्क्वायर इज, आपने ज्योमेट्री में पढ़ा है स्क्वायर, बट दिस स्क्वायर इज डिफरेंट, दिस इज अलजेब्रिक स्क्वायर। स्क्वायर होता है किसी भी नेचुरल नंबर को डबल कर देना, द नंबर मल्टीप्लाइड बाय इटसेल्फ, बट वो नंबर नेचुरल नंबर होना चाहिए। नेचुरल नंबर्स क्या होते हैं? ऑल द नंबर्स बिटवीन 1 टू इंफिनिटी, 1 से लेकर ऑल पॉजिटिव इंटीजर्स आर कॉल्ड नेचुरल नंबर्स। ओके, सो किसी भी नेचुरल नंबर का आप मल्टीप्लाई करेंगे विद द सेम नंबर तो आप पाएंगे उसका स्क्वायर। फॉर एग्जांपल, यहाँ पर मैंने स्क्वायर ऑफ 2 लिया है। 2 इज द नेचुरल नंबर और स्क्वायर को हम डिनोट करते हैं एक्सपोनेंट के फॉर्म में। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि स्क्वायर 2 के ऊपर 2 का पावर लगा हुआ है, यानी कि 2 के ऊपर एक्सपोनेंट है 2। इसे हम पढ़ते हैं स्क्वायर ऑफ 2। इसे हम लिखेंगे 2 मल्टीप्लाइड बाय 2, द नंबर इज मल्टीप्लाइड बाय इटसेल्फ and this gives number 4. So 4 is the square of 2. We can say 4 is the square of 2. Okay. सारे numbers 1 to 10, उनके square मैंने इस chart में दिए हुए हैं, आप देख सकते हैं। 1 का square होता है 1, because 1 multiplied by 1 equals to 1. 2 multiplied by 2 equals to 4. 3 multiplied by 3 equals to 9. 4 multiplied by 4 equals to 16. Similarly, 25, 6 square, 36, 7 square, 49, 8 square, 64, 9 square, 81 and 10 square is 100. ये टेबल बहुत काम आने वाली है आपके आगे के सारे क्वेश्चंस को सॉल्व करने में और सारी प्रॉपर्टीज को समझने के लिए, तो इसको आप बिल्कुल ध्यान में रखिएगा। कम से कम इतना स्क्वायर तो आपको याद कर ही लेने चाहिए, बिकॉज ये इस तरह के किसी भी क्वेश्चन में आपको सारी प्रॉपर्टीज में ये टेबल काम आने वाली है। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले देख लेते हैं कि परफेक्ट स्क्वायर क्या होता है। अगर आप किसी भी दो नेचुरल नंबर्स को, टू इक्वल इंटीजर्स को आपस में मल्टीप्लाई करते हैं तो जो प्रोडक्ट आता है वो परफेक्ट स्क्वायर होता है। जैसे कि ऊपर के एग्जांपल में 4 इज द परफेक्ट स्क्वायर। तो फिर आप कहेंगे कि यहाँ पर जितने भी स्क्वायर हैं ये सारे परफेक्ट स्क्वायर हैं। जी हाँ, यहाँ पर इस टेबल में ये जितने भी स्क्वायर बने हुए हैं ये सारे परफेक्ट स्क्वायर्स हैं, बिकॉज ये टू इंटीजर्स को मल्टीप्लाई करने पर आया हुआ प्रोडक्ट है। ओके, अब आप यहाँ पर एक चीज यहाँ नोट करिए इस टेबल में कि 1 का स्क्वायर 1 होता है, 2 का स्क्वायर 4 होता है, 3 का स्क्वायर 9 होता है, 4 का स्क्वायर 16 होता है जिसका यूनिट प्लेस का डिजिट है 6। सिमिलरली 5 का स्क्वायर 25 होता है जिसका यूनिट प्लस का डिजिट है 5। ओके, आप सभी का यूनिट प्लेस नोट कीजिए। 6 के स्क्वायर में 6 होता है यूनिट प्लेस 36 में, 7 के स्क्वायर में भी 49 में 9 होता है यूनिट प्लेस, देन अगेन 4, 1 and 0. So what we can say? We can say that 0, 1, 4, 9, 5 and 6. ये numbers पे जो भी digit end होता है या ये number जिस भी digit के end में आता है वो सारे numbers perfect squares हैं. Clear? Because यहाँ पर आप देख रहे हैं कि ये सारे digits जो रिपीट हो रहे हैं, जो मैंने यहाँ पर ब्रैकेट में लिखे हुए हैं, ये सारे के सारे डिजिट्स, ये हर डिजिट के लास्ट में यूनिट प्लेस पर आ रहे हैं तभी वो परफेक्ट स्क्वायर है। आप नोट करेंगे से इसमें कहीं पर भी 2, 3, 7 और 8 नहीं है। सो 2, 3, 7 और 8 से जो भी डिजिट एंड होती है, जिसका भी यूनिट नंबर 2, 3, 7 या 8 है, वो एक परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। यानी कि वो किसी भी नंबर का, किसी भी नेचुरल नंबर का स्क्वायर नहीं हो सकते। फॉर एग्जांपल, अगर यहाँ पर हम बात करें 32 की, तो 32 किसी भी नंबर का परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, बिकॉज इसके यूनिट डिजिट पे 2 आ रहा है। ये इसकी एक बहुत बड़ी प्रॉपर्टी है और इस तरह के क्वेश्चंस कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में भी आते हैं, आपके ओलंपियाड्स में भी आते हैं, कि आप यूनिट प्लेस को देखकर ही आपको बताना होता है कि इसका स्क्वायर होगा कि नहीं, इज इट अ परफेक्ट स्क्वायर और नॉट। तो इस तरह से आप इसको पहचान सकते हैं। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ स्क्वायर्स पे।
प्रॉपर्टीज के स्क्वायर में सबसे पहला पॉइंट है वही जो मैंने आपको बताया कि ऑल स्क्वायर नंबर्स एंड विद 0, 1, 4, 5, 6 और 9. इवन नंबर का स्क्वायर इवन नंबर होता है, ऑड नंबर का स्क्वायर ऑड नंबर होता है. कैसे, चलिए देख लेते हैं. हम वापस से अपनी वही उसी टेबल पर आते हैं. यहाँ पर आप नोट कीजिए कि 2 इज द इवन नंबर और उसका स्क्वायर है 4. ओके, 3 इज द ऑड नंबर और उसका स्क्वायर है 9. सिमिलरली 5 भी एक ऑड नंबर है और उसका स्क्वायर है 25. 8 एक इवन नंबर है और उसका स्क्वायर है 64. सो दिस इज प्रूवन कि इवन नंबर का स्क्वायर एक इवन नंबर ही होगा और ऑड नंबर का स्क्वायर एक ऑड नंबर ही होगा. अब अगर आपसे किसी भी तरह का कोई भी बड़ा नंबर यहाँ पर पूछा जाए, सपोज कीजिए आपसे पूछा जाता है 1, 3, 2, 4 के स्क्वायर में यूनिट प्लेस क्या होगी. अगर आप इसका स्क्वायर निकालेंगे तो आपकी यूनिट प्लेस क्या होगी, तो आप क्या करेंगे, 1, 3, 2, 4 मल्टीप्लाइड बाय 1, 3, 2, 4. आप इस तरह से मल्टीप्लाई करेंगे तब आप देखेंगे कि यूनिट प्लेस पर क्या नंबर आ रहा है. बट द सिंपल वे इज कि आप सिर्फ इसकी यूनिट प्लेस को देखेंगे. यूनिट प्लेस इज 4 एंड 4 का स्क्वायर होता है 16. 16 में यूनिट नंबर होता है 6. तो इस पूरे नंबर का भी यूनिट नंबर होगा, जब आप इसका स्क्वायर निकालेंगे तब इसका भी यूनिट प्लेस होगा 6. ओके, तो इस तरह के एग्जाम में क्वेश्चंस आते हैं. कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में इस तरह के ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस आते हैं. कोई नंबर आपको दे देंगे एंड देन यू हैव टू सिलेक्ट द यूनिट प्लेस ऑफ दैट नंबर. तो स्क्वायर आप उसका निकालने की पूरी पूरा स्क्वायर निकालने की जरूरत नहीं है, बस उसके यूनिट प्लेस के नंबर के स्क्वायर को देखिए. जो यूनिट प्लेस के नंबर का स्क्वायर होगा उसका जो वंस का डिजिट होगा, जैसे यहाँ पे 4 के स्क्वायर होता है 16 और उसका वंस प्लेस का डिजिट है 6, तो इस पूरे नंबर के स्क्वायर का वंस प्लेस का डिजिट भी होगा 6. ओके, नेक्स्ट प्रॉपर्टी है, इफ यू नीड टू फाइंड आउट द स्क्वायर ऑफ अ नंबर एंड्स विद 5, से n 5, n इज द नेचुरल नंबर, हियर n इज द नेचुरल नंबर, देन यूज द फॉर्मूला n n plus 1 multiplied by 100 plus 25. यहाँ पर ये बताने का पर्पस ये है कि आपको किसी भी ऐसे नंबर का स्क्वायर पूछा जाता है जिसके एंड में 5 आता है. सपोज कीजिए 15. 15 का आपको स्क्वायर निकालना है, तो व्हाट विल यू डू, 15 multiplied by 15. बट बेटर कि आप 15 में की वैल्यू इस फॉर्मूले में रख सकते हैं. अब यहाँ पर आपको n को पूरा 15 नहीं रखना है, बिकॉज आप यहाँ देखिए n 5 लिखा हुआ है, तो 5 तो यहाँ पर ऑलरेडी है. n क्या हुआ, 1, n इक्वल्स टू 1. ओके, तो 5 तो n प्लेस पर होगा ही, सॉरी यूनिट प्लेस पर 5 होगा ही. आपको सिर्फ जो n की वैल्यू है वो इस फॉर्मूले में रखनी है. वो रखने के बाद कैसे सॉल्व होगा देखिए, 15 में n की वैल्यू है 1, तो 1 को आप इस फॉर्मूले में रख देंगे. 1 प्लस 1, ऑलरेडी यहाँ पर प्लस 1 है, मल्टीप्लाइड बाय 100 प्लस 25. 1 प्लस 1 2, 2 into 1, 2, 2 into 100, 200, and 200 plus 25, 225. So 15 का स्क्वायर होगा 225. इस तरह से आप किसी भी बड़े नंबर का स्क्वायर निकाल सकते हैं. एक और नंबर देखते हैं, जैसे सपोज कीजिए आपको स्क्वायर रूट निकालना है 325 का, तो यहाँ पर 5 को छोड़कर 32 इज द वैल्यू ऑफ n. ओके, तो ये n की वैल्यू को आप इस फॉर्मूला में रख देंगे एंड देन यू विल गेट द स्क्वायर ऑफ 325. और ये साथ में टेबल जो है ये आपको हमेशा बना लेनी है. अगर आपको कभी भी कंफ्यूजन होता है तो रफ साइड में, आप जब भी एग्जाम देने जाते हैं उसके रफ साइड में ये टेबल जो है वो पहले ही बना के रख लीजिए, तो आपको इजी होगा कोई भी क्वेश्चन सॉल्व करने में, आप बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होंगे. पाइथागोरियन ट्रिपलेट्स, यहाँ पर एक हमको क्वेश्चन दिया हुआ है कि 6 स्क्वायर प्लस 8 स्क्वायर. 6 का स्क्वायर क्या होता है, 36. टेबल में हमको मालूम है, ये टेबल हम फिर से यहाँ पर एक बार देख लेते हैं. 6 का स्क्वायर होता है 36 एंड 8 का स्क्वायर होता है 64 प्लस 64 इक्वल्स टू 100 एंड 100 इज द स्क्वायर ऑफ 10. So 6 square plus 8 square, we can write 10 square, is it? 6 square और 8 square को हम लिख सकते हैं 10 square, because उनको solve करने पे जो answer आया है, वो भी किसी number का square है. किसी number का perfect square है, because उसकी unit digit 0 है. So it is a perfect square. तो वो किसी ना किसी number का definitely perfect square है. तो यहाँ पर जो ये तीनों number हैं, 6, 8 and 10, these are called
पाइथागोरियन ट्रिपलेट्स। ओके, इसका हम मैथमेटिकली डेफिनेशन देख लेते हैं। सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ टू नंबर्स विल प्रोड्यूस अ नंबर व्हिच इज आल्सो अ परफेक्ट स्क्वायर। सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ टू नंबर्स will produce a number which is also a perfect square, then all the three numbers are called Pythagorean triplets. Okay? अब अगर आपको कभी भी कोई एक नंबर दिया हो और आपको वो नंबर से पता करना हो कि वो नंबर Pythagorean triplets बनाएगा या नहीं, तो उसके लिए भी फॉर्मूला है। वो फॉर्मूला क्या है ये नीचे देखिए। So for any natural number m, नंबर नेचुरल होना चाहिए यानी कि पॉजिटिव इंटीजर होना चाहिए, कोई भी पॉजिटिव इंटीजर हो m, सपोज कीजिए m, सो वी हैव थ्री ट्रिपलेट्स। अगर आपको m की कोई भी वैल्यू दी हुई है तो आप उससे थ्री ट्रिपलेट्स बना सकते हैं। फर्स्ट ट्रिपलेट होगा 2m, यानी कि जो भी m की वैल्यू उसमें 2 का मल्टीप्लाई, m स्क्वायर माइनस 1 एंड m स्क्वायर प्लस 1, ये आपको याद रखना है। ये पाइथागोरियन ट्रिपलेट्स निकालने का फॉर्मूला है। इस तरह से आप तीन ट्रिपलेट्स निकाल सकते हैं जो आपस में इस कंडीशन को सेटिस्फाइड करेंगे कि जब आप उनका स्क्वायर निकालेंगे तो वो प्रोडक्ट भी किसी ना किसी का स्क्वायर होगा। इसका एक एग्जांपल देख लेते हैं। फॉर m इक्वल्स टू 2, ट्रिपलेट्स कौन कौन से होंगे? 2m यानी कि 2 इंटू 2 4, m स्क्वायर माइनस 1 यानी कि 2 का स्क्वायर माइनस 1, एक नंबर आया 3, एक नंबर आया 4, एंड m square plus 1 यानी 2 square plus 1 और एक नंबर आया हमारे पास 5। तो ट्रिपलेट्स हमारे पास क्या क्या आए हैं? 4, 3 and 5। Let's check 4 and 3 का square, 3 square plus 4 square, क्या 5 square होता है? चेक करते हैं। 3 square is 9, 4 square is 16, so 16 plus 9, 25, which is the square of 5। So yes, 2, 3, 4, 3 and 5 are the Pythagorean triplets. Okay, so 2m, m square minus 1 and m square plus 1, आपको ये तीनों टर्म याद करनी है। इन टर्म्स में m की वैल्यू चाहे कोई भी हो, आप उसको पुट करके ये देख सकते हैं कि वो तीनों Pythagorean triplets है या नहीं वो बनाएंगे, क्योंकि m की वैल्यू जब आप इन फॉर्मूलेज में रखेंगे तो जो भी तीन नंबर आएंगे वो डेफिनेटली Pythagorean triplet बनाएंगे। नेक्स्ट देखते हैं। See the square root. If 4 square equals to 16, then 16 is called the perfect square of 4. We already saw in the first slide ki 16 ko jo bhi product hota hai square ka, usse hum kehte hain perfect square of that number. But 4 is called the square root of 16. Okay? इसे और समझने के लिए यहाँ पर हमारी पुरानी वाली टेबल वापस लाते हैं और जल्दी से देखते हैं कि यहाँ पर जो मैंने अभी आपको बताया है 4 square equals to 16, so 4 is the square of, 4 is the square root of 16 and 16 is the perfect square of 4, just opposite, just vice versa. Similarly, 9 is the square root of, perfect square of 3 and 3 is the square root of 9. 36 is the perfect square of 6 and 6 is the square root of 36. 49 is the perfect square of 7 and 7 is the square root of 49. So now it is clear that what is the square root, but how to find the square root? Hame kaise pata chalega ye 36, 6 ka square 36 hai, but 36 ka jo square root hai wo 6 hi hai, ye hame kaise pata chalega? Ye hame pata chalega hamare next video mein, jo ki hoga only for methods to find square roots. वो वीडियो पूरा है, पूरी तरह से है स्क्वायर रूट्स को फाइंड करने के डिफरेंट मेथड्स। स्क्वायर रूट को डिनोट कैसे करते हैं? इसे डिनोट करते हैं साइन के साथ, स्क्वायर रूट ऑफ 16 इक्वल्स टू 4। ओके, सो पार्ट 2 हम कंटिन्यू करेंगे विद द मेथड्स टू फाइंड आउट द स्क्वायर रूट। स्टे ट्यून्ड टिल माय नेक्स्ट वीडियो, और इफ यू लाइक द टुडेस वीडियो प्लीज हिट द लाइक बटन, प्लीज शेयर इट विद योर फ्रेंड्स, एंड मिलते हैं हमारे अगले वीडियो में बहुत ही जल्दी, मे बी टुमारो। सो बने रहिए मेरे साथ। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।